मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल रूप से जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 17 सितंबर को आयोजित हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और जिले के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जिले को शत प्रतिशत वैक्सीनेटेड करवाने की अपनी भूमिका निभाए। इसके अलावा बैठक में डेंगू मलेरिया के संबंध में भी विस्तृत चर्चा कर रोकथाम हेतु समुचित उपाय करने की अपील भी की गई। इस चली बैठक के दौरान जिला आपदा प्रबंधन बैठक में कलेक्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेष राव यादव, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, चौरई विधायक, अन्य अधिकारीगण और सदस्य उपस्थित थे। बैठक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बुलाई गई थी। इसको इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान जो 17 तारीख को प्रदेश में 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया है, उस विषय में चर्चा हुई। हमारे छिंदवाड़ा जिले को 1 लाख वैक्सीन अर्जुन मिलेंगे, उसका लक्ष्य है कि 1 लाख वैक्सीन लगना है, तो इस महाअभियान को लेकर के चर्चा हुई और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम जोड़ सकते हैं, हमारे राजनीतिक दलों के लोग उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारा लगभग प्रथम डोज 70% के करीब पहुँच गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश की लक्ष्य लेके चला है कि प्रथम डोज 26 सितंबर तक के पूरे सभी को लग जाएँ, उसमें हम लोग क्या सहयोग दे सकते हैं, इस विषय में चर्चा हुई है। साथ ही साथ डेंगू को लेकर के जो डेंगू बढ़ रहा है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जिला अस्पताल में अलग से 10 बेड का डेंगू के मरीजों के लिए बने एवं दवाइयां और फॉगिंग मशीन और छिड़काव सही जगह में हो जिससे डेंगू के मच्छर को मारा जा सके, इस विषय में आज चर्चा हुई है। बीसीएन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रावार की रिपोर्ट।